इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर जाति मात्राओं में त्रुटि को लेकर 12 समुदाय के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लेकर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सियासत तेज होने लगी है। एक ओर सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, क्योंकि ये निर्णय केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया है। नीचे कर देंगे। आज का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम है। दो दिन पहले अर्थात परसों शाम को विश्वप्रिय नेता सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई, और उस कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के जो 12 जनजातीय समाज है, जिनको किन्हीं किन्हीं कारण से त्रुटिवश जनजाति समाज को जो आरक्षण मिल रहा है उससे वंचित होना पड़ रहा था, जैसे सांवरा समाज को उच्चारण की त्रुटि, मात्रात्मक त्रुटि के कारण सांवरा समाज आरक्षण से वंचित था, उसको कैबिनेट से एक प्रकार से अप्रूवल मिली है और उसको कैबिनेट में पास किया गया है। आज सांवरा समाज प्रसन्न है, उसी खुशी में आज सांवरा समाज के द्वारा माता सबरी मंदिर प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने अध्यादेश ला करके छत्तीसगढ़ में इस समाज को, जनजाति समाज के आरक्षण का लाभ दी जा रही थी और कोर्ट ने उसमें स्टे लगाया, तब सांवरा समाज ने कोर्ट में पार्टी बनने के लिए कहा वर्तमान सरकार को, तो क्यों पीछे हटा ये पूछिए उनसे कि आज किस मुंह से श्रेय ले रहे हैं। कि जब न्यायालय में उनको पार्टी बनना था, सांवरा समाज के साथ खड़े होना था, तब आज पीछे हट गए। आज जब केंद्र के मोदी सरकार ने उसको मुहर लगा दी, तब किस मुंह से अपना पीठ थपथपा रहे हैं, ये उन्हीं से पूछिए।